अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम माहिर लोधी है और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, सब तकलीफ में दूर होंगे इंशाल्लाह ताला। पहले तो काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाने के लिए माजरत ख्वाह हैं हम। टाइटल और थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा आज की वीडियो किस टॉपिक पे है, और इस टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने आज इजाज़त दी है, और इजाज़त नहीं क्या दी है मैंने आपको, शर्फ नहीं तकलीफ दी है, तकलीफ नहीं दी या तुझे तकलीफ वाले। और भाई मैंने आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो हैं अवैस महमूद। यस, दिस इज द इंट्रोडक्शन, दिस इज नॉट यार। आज की जो हमारा टॉपिक है वो है रेडमी नोट 10, ठीक है। आज जैसे हम इसके अंदर हैंड ऑन रिव्यू करेंगे, इसके अंदर नहीं, इसके ऊपर हैंड ऑन रिव्यू करेंगे। आज अवैस महमूद को बुलाने का मकसद ये है कि बुलाना क्यों कर रहे हो, सब अवैस महमूद ने किया आपके साथ मिलकर। यार लोगों को तो नहीं पता था ना, आप चल गए ना। अच्छा भैया, सीन ये था कि वी वर प्लानिंग के नया फ़ोन लेने, बीच में मैंने इन्फिनिक्स हॉट 9 लिया था, वो फॉर सम रीज़न मुझे लेना पड़ा, मैं वो लेने के हक़ में नहीं था क्योंकि मुझे वो डिवाइस पसंद जो भी गाड़ी में, वो डिवाइस अगर आप गुजारे के लिए लेना चाहो, हॉट 9 इन्फिनिक्स की कोई भी, कोई भी कह लें आप, ठीक है, इन्फिनिक्स वो क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करता जो आपको रेडमी लो बजट मोबाइल है बेसिकली, तो उसके लिए तो हाँ ऐसे ही। तो सीन ये था कि मैंने वो मोबाइल से स्विच करना था, तो तीन चार दिन पहले मैं आया से बात की, मैंने कहा मैं मतलब सोच रहा हूँ मोबाइल चेंज करने के लिए, मेरे पास लाइक के हाँ ठीक है कर ले, ऐसे ही था। अच्छा अगले दिन भाई साहब ने कहीं ऐड देख लिया इन्फिनिक्स नॉट 10 का, इन्फिनिक्स सही, और भाई साहब को मतलब मुझे ना बेसिकली मैं इसे पहले यूज़ कर रहा था ओप्पो A5 2020, और मेरा यही था कि मैं नेक्स्ट कभी स्विच करूँगा तो मैं ओप्पो पे ही स्विच करूँगा, लेकिन मैंने ना मेरी आंखों के सामने एक वीडियो आ गई इन्फिनिक्स नोट 10 की ना, तो नया अभी लॉन्च हुआ है, तो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ, मैंने कहा मोबाइल बहुत बेटा, लेकिन मैंने इसको सजेस्ट किया फिर ना कि यार तू इन्फिनिक्स नोट 10 क्यों नहीं लेता, मैं इसको सजेस्ट किया जा रहा था, आगे कहानी तुम बताओ फिर। ये मुझे ये कह रहा था इन्फिनिक्स नोट 10, क्योंकि मैं इन्फिनिक्स ऑलरेडी यूज़ कर रहा था, मुझे पता है ये चीज़ें जो बहुत सारी गिनवा देते हैं, नो डाउट होती भी होंगी, लेकिन उसका जो एक्सपीरियंस है वो ऐसा मज़े का नहीं है, यूज़ करने में एक्सपीरियंस इतना मज़े का नहीं है, लेकिन जो 90 हर्ट्ज़ आए हैं वो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, मे भी वो बहुत अच्छा हो, लेकिन फिर इसने बोला कि ज़रा चेक कर ऐड देख, मैंने देखा मुझे भी पसंद आया, और हम दोनों ने एक चीज़ पे एग्री कर लिया, हाँ जी नोट 10 लेना इन्फिनिक्स। फिर भाई साहब अचानक इसको फिर एक और वीडियो नज़र आई वो लकीली नज़र आई, हाँ। तो यार मैंने ना इन्फिनिक्स नोट 10 की वीडियो देखते देखते ना मुझे नज़र आया कंपैरिजन, कैमरा कंपैरिजन आया नोट 10 रेडमी वर्सेस नोट 10 इन्फिनिक्स, और मैंने खोल लिया। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक चीज़ ये बता दूँ कि ये जो रेडमी नोट 10 है ये ट्रेंड पे जा रहे हैं भैया, एग्जैक्टली इसके हर जगह मतलब आप यूट्यूब की वॉल पे देख लें भाई साहब, इसी के कंपैरिजन चल रहे हैं, हाँ। तो जाहिर है कुछ ना कुछ चीज़ तो उसमें है। कैमरा कंपैरिजन चेक किया, आई वाज होपिंग के ना जो इन्फिनिक्स का बेहतर होगा, लेकिन नोट 10 तो ऐसे ऊपर जा रहा था कैमरे में, मैंने कहा यार कमाल हो गया, मैंने फिर उसका ना फुल कंपैरिजन चेक किया, वो रेडमी इन्फिनिक्स से बहुत ऊपर जा रहा था, फिर मैंने उसको सजेस्ट किया, मैंने कहा यार तुम रेडमी नोट 10 क्यों नहीं देखते, फिर आगे आप बताओ आपके साथ क्या हुआ। फिर मैंने इसको ये बोला कि नहीं भाई इन्फिनिक्स नोट 10 पसंद आ गया, बस वो ही लेना है, तो हुआ कुछ इस तरह, फिर मैं मार्केट गया विजिट करने के लिए, सामने डमी पड़ी हुई थी इस मोबाइल की, मैंने चेक की, और भाई जिस टाइम मैंने बटन ऑन किया मैंने कहा लेना तो ये लेना फ़ोन तो इसकी हम दोनों की कंसर्न थोड़े से डिफरेंट है मोबाइल लेने के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रेफर कर रहा था स्क्रीन रेजोल्यूशन को, क्योंकि मैंने सबसे पहले जो डिवाइस यूज़ की थी वो सैमसंग की थी, एमुलेट डिस्प्ले जिनमें सैमसंग में ज़्यादा मतलब इंट्रोड्यूस हुआ था, आईफोन में तो था, इस बाद आईफोन तुमने लिया था, सैमसंग के बाद आईफोन लिया, आईफोन के बाद मुझे इन्फिनिक्स लेना पड़ा, ठीक है, बीच में पहले भी मैंने इन्फिनिक्स लिया था, तो वो हॉट सेवन तो मतलब इन्फिनिक्स का मैं यूज़र था, इसलिए मैं नहीं ले रहा था, मजबूरन मुझे लेना पड़ा, वक्ती तौर पे तुमने कहा कि फिलहाल ले लूं। उस टाइम में जो टाइम मैंने इन्फिनिक्स हॉट नाइन में गुजारा, और मुझे स्क्रीन रेजोल्यूशन की अच्छी ज़रूरत थी, क्योंकि मेरी एक तो ग्लासेस हैं, आई साइड का भी थोड़ा सा इशू था, और ऊपर से स्क्रीन भी वैसा बहुत ज़्यादा उसकी नकली टाइप की थी। अच्छा मैं शुरू से ना मोबाइल मेरा कोई शौक नहीं रहा कि मोबाइल पर प्रायोरिटी दूँ कि मैं आईफोन या इस तरह, तो मैं कभी मैंने ये प्रायोरिटी नहीं रखी स्क्रीन अच्छी हो ये तो अच्छा हो, मेरा होता है कैमरा ठीक हो अच्छा हो, और साउंड क्वालिटी भी बहुत मुझे इंप्रेस करती थी, हाँ साउंड क्वालिटी, इसकी साउंड क्वालिटी भी नॉट डाउट, ओप्पो मुझे इसलिए इंप्रेस किया था A5 2020 की उसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी थी, तो LCD उसके ऑब्वियसली उसके जो डिस्प्ले था वो IPS डिस्प्ले था शायद,
तो वो उसके बाद जब मैंने रेडमी पे स्विच किया उसके बाद में मैं कोई मूवी या अर्तुगुल, इवन आप अर्तुगुल सारी देख चुके हैं, और अर्तुगुल जब उस पर देखा मैं कहता हूँ उसका जो था ना एक्सपीरियंस वो नेक्स्ट लेवल था। इन्फिनिक्स पे भी मैं इसी वजह से एग्री किया था, उसका 90 रिफ्रेशमेंट हर्ट्ज़ थे, इसी वजह से मैं उस पर भी एग्री किया। क्या होता है 90 रिफ्रेशमेंट हर्ट्ज़ यार, इसमें आपका ना एक्सपीरियंस जो है ना मोबाइल को यूज़ करने का, लाइक अगर आप इस तरह यूज़ कर रहे हैं कोई ऐप खोल रहे हैं उसमें स्मूथनेस बहुत ज़्यादा ऐसी मतलब मक्खन मलाई मलाई मक्खन ठीक है ऐसे चल रहा होता है, स्क्रीन को रिफ्रेश करता रहता है इतने ज़्यादा बार। ठीक तो इसमें वैसे आएगा 60 रिफ्रेशमेंट हर्ट्ज़ है, लेकिन एमुलेट डिस्प्ले की वजह से 60 है। अच्छा, एमुलेट की वजह से ना बहुत कवर अप हो जाएगा, नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है। अच्छा मुझे बताओ 30,000 की रेंज में तुम्हें ये मोबाइल कैसा लगा? यार 30,000 की रेंज में ये मोबाइल मैं समझता हूँ कि पैसों को पूरा कर रहा है, गेमिंग का एक्सपीरियंस भी, रेजोल्यूशन की स्क्रीन की वजह से रेजोल्यूशन भी बहुत अच्छा, बहुत फिट गेमिंग एक्सपीरियंस है। अच्छा मुझे ये बताओ कि इसमें तुम्हें क्या फ्लॉज लगे? फ्लॉज जहाँ तक बात है इसकी पैसों के लिहाज से, तो फ्लॉज को अगर हम देखते हैं तो इसके साथ जाती होगी पहली बात, लेकिन अगर हम एज अ डिवाइस देखें तो फ्लॉज इसमें हैं। सबसे बड़ा जो मेन फ्लॉ मुझे लगा ना इसमें वो है अप्रॉक्सीमेट सेंसर जो है, ठीक है एक वो मेन फ्लॉ है। क्या वो है ही नहीं इसके अंदर? हाँ वो इसमें नहीं है नाजरीन ताज़ा तरीन, क्या वो इसमें नहीं है? ब्रेकिंग न्यूज़, इसमें अप्रॉक्सीमेट सेंसर नहीं है। अच्छा जो सेंसर इसमें लगा हुआ है ना राइज वेकअप का, हाँ, तो उसकी वजह से आपको जुगाड़ की हुई है ये अप्रॉक्सीमेट सेंसर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग जहाँ तक मेरी नॉलेज है, क्योंकि हमने स्पेसिफिकली कोई वो उसके मैं अपना नहीं हम लोग अपने इन हैंड जो हैंड ऑन रिव्यू है कि हमें जो चीज फील किया ना वो आपको हम कंपनी को लेके नहीं चल रहे भैया, हमने असल में कंटेंट बनाना था बन गया बन गया देख लो अब। और दूसरी मेन बड़ी चीज 33 वॉट इसके अंदर आपको चार्जिंग की वो दी जा रही है, मैक्सिमम आप 35 से 40 मिनट में इनका मतलब है 5000 mAh की बैटरी है, बड़ी बैटरी है ठीक है, बैकअप नो डाउट अच्छा दे रही है, लेकिन जो इन्होंने टाइमिंग बताई है कि इतने टाइम में आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं। आम मोबाइल कितनी देर में चार्ज हो जाता है? वो भी 2-2.5 घंटे में। अब मैं अगर इन्फिनिक्स का बताता हूँ वो भी 5000 mAh की, वो 2.5 घंटे ले लेती थी, लेकिन वो बैकअप भी फिर उस लिहाज से इससे बहुत ज़्यादा बैकअप। हाँ ये तो है, ये ओप्पो मेरा जो था हाँ, वो उसकी रीज़न अच्छा बैकअप हाँ, उसकी रीज़न ये इसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से भी आपकी जो है कंज्यूमिंग उसकी बैटरी की होती है। अच्छा आप कैमरे की तरफ आते हैं, कैमरा तुम्हें कैसा लगा? कैमरा भैया आउट क्लास है ठीक है, बल्ला वाइड एंगल हम जो कंसीडर कर रहे थे वाइड एंगल को सोच के जेन में जो तुम्हारा ओप्पो का एक्सपीरियंस है, ओप्पो का तो बहुत बहुत वाइड था, और मेरा भी था कि एटलीस्ट आपको ये विजन इस तरह जा रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा इतना हाँ एग्जैक्टली इतना वाइड नहीं है लेकिन वाइड है, लेकिन आपको ना अगर आपने कैमरा पकड़ा हो ना वाइड एंगल ऑन करके आपको कोई देना आपको फील नहीं होगा वाइड एंगल ऑन है। एक उससे भी बड़ा जो फ्लॉ है वो हीट का है, हीट हो रहा है, हीट हो रहा है, हो रहा है आम मोबाइल से ज़्यादा हीट हो रहा है, आम मोबाइल से ज़्यादा हीट हो रहा है, लेकिन हाथ में आपने अगर पकड़ा हुआ है तो ये मतलब आपको फील कराएगा कि बस गर्म फटने वाला है, लेकिन जब आप इसको हीट टेम्परेचर गन से मेजर करते हो ना इसका एवरेज टेम्परेचर माइट बी इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो शायद ऐसी है कि क्योंकि उन्होंने 30,000 में अगर फीचर्स बहुत ज्यादा है तो क्वालिटी में बिल्ड क्वालिटी में शायद थोड़ा सा, अदरवाइज आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद दिस डिवाइस। अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई मुझे रेडमी नोट 10 लेना चाहिए, मैं आऊँगा आके बंद करके 30,000 में नोट 10 ले लो, तुम क्या कहोगे? मैं भी यही कहूँगा क्योंकि इसके अलावा ऐसी प्राइस रेंज में कोई आपके पास भी डिवाइस हो, लेकिन मुझे मेरी नज़र से अभी तक नहीं गुजरी, मैं मोबाइल वगैरह का शौकीन हूँ, मैं देखता रहता हूँ रिव्यूज वैसे ही देखता रहता हूँ, लेकिन मेरी नज़र से अभी तक नहीं गुजरी। और इसका जो फिंगरप्रिंट है उसमें सुनने में आया था कि जी फिंगरप्रिंट में फ्लॉ है थोड़ा बहुत, मुझे फील होता है थोड़ा थोड़ा फील होता है कि फिंगरप्रिंट ना एक दफ़ा आपको ना ज़रा करना पड़ता है बटन दबा के ज़रा ऑन ऑफ करके सेट करना पड़ता है कि वॉश में आओ भाई थोड़ा सा, उसके बाद भी चल पड़ता है अब चल रहा है, लेकिन फिंगरप्रिंट बहुत फास्ट। इसकी जो मे बी प्रोसेसर का इशू हो, मैंने इसको ब्राउजिंग से डाउनलोडिंग के लगाया 3 GB साइज का, तो भाई साहब जिस टाइम मैंने उसको डाउनलोडिंग पे लगाया मोबाइल ने बोल दिया भाई हैंड अप मैं जा रहा हूं लिटरली हैंड अप हर चीज़ अटक रही है, मतलब स्टक ऐसे 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 चल रहा है मोबाइल। उस टाइम पे आके मैं हो गया कि यार नहीं गलत फैसला था हाँ, लेकिन ये मोमेंट मेरे लिए भी आई थी एक दफ़ा जब मैं मोबाइल लेके जिस दिन घर आया हूँ ना उस टाइम क्योंकि नया मोबाइल था शायद इस वजह से ना व्हाट्सएप मेरा स्ट्रक हो रहा था, व्हाट्सएप पे लाइक मैंने डॉक्यूमेंट खोला ना डॉक्यूमेंट भी नहीं खोल रही व्हाट्सएप भी नहीं खोला, तो
तो इस वजह से ना मैंने फिर लेकिन मोबाइल में वर्क कर रहा था, मैंने व्हाट्सएप बंद किया, फिर दोबारा ऑन किया, फिर ठीक हो गया। इसने दो तीन ऐप्स और मैंने खोली हैं और उसके बाद वो स्ट्रक हो रही थी, उसके बाद दोबारा मैंने खोला वो ठीक हो गई, उसके बाद मैं स्ट्रक नहीं हुआ मोबाइल मेरा, मैं डाउनलोड भी किया, मैंने सब कुछ किया, मेरा ठीक। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस आके मेरा जब तक डाउनलोड कम्प्लीट नहीं हुई मेरा मोबाइल स्ट्रक हो। तो यार ये थी छोटी सी हैंड्स ऑन रिव्यू रेडमी रिव्यू, रेडमी नोट 10 का हैंड्स ऑन रिव्यू, ठीक है। तो ये पर्सनली अगर मैं सजेस्ट करूँ तो मैं कहूँगा हाँ भाई नोट 10 लो और अच्छी डिवाइस है। तो इसमें मेरी एक सजेशन है ये कि अगर आपने Redmi Note 10 लेना है तो मैं सजेस्ट करूँगा सिंपल Note 10 ले, Note 10 Pro वगैरह पे नहीं जाओ, 40 50 खर्चने की जरूरत नहीं है, फिर आप वो किसी और ब्रांड पे सोच करें। उसमें मेरे ख्याल में उसमें सिर्फ आपको रैम ज़्यादा दी गई है और ये कैमरे का जो है ये ज़्यादा, कैमरा मेरे ख्याल नहीं, कैमरा मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा उसका 104 मेगापिक्सल और ये अगर 30,000 में आप ये लेते हैं और 48,000-50,000 में वो लेते हैं, ऊपर वाले पैसे जाया करने वाली बात मुझे लगती है, यहाँ पे आपके चश्मे पूरे हो रहे हैं, लेना तो यही लो। अगर हमारे अकाउंट में पैसे ना आया तो नाज़रीन ये थी एक अच्छा यार अब हम मोबाइल दिखा दें, देखे तो आपने मोबाइल दिखा रहे कुछ दिखा दिया ना मोबाइल पर, उन्होंने देखा है मोबाइल, उनके पास गूगल है तभी हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनके पास यूट्यूब है, नेट है ना उनके पास तभी हमारी वीडियो देख रहे हैं। अच्छी ये लिशकारे मारते हो बड़ा अच्छा लगता है। बाय द वे ये बिल्कुल बिल्कुल जो प्लास्टिक होता है ना ये वो है। ओके जी ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो, छोटी सी छोटी नोट 10 रेडमी के ऊपर हमने ऑनेस्ट रिव्यू दिया इसका कि आपको डिवाइस लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, और इतने पैसों में अगर आपको कोई और डिवाइस मिल रही हो तो क्या आपको रेडमी छोड़ना चाहिए। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई होगी आपका तो नहीं पता हमारे लिए बड़ी मजे की टिल देन। और हाँ आपने बताना है पॉडकास्ट सेटअप कैसा था, ये बाय द वे पॉडकास्ट थी, आपको चूना लगाया कि रेडमी के नाम पर पॉडकास्ट थी, ये रिव्यू के नाम पर आपको चूना लगाया तो ये एक पॉडकास्ट थी, आपने बताना है कि आपको सेटअप कैसा लगा, अगर आप नेक्स्ट सेटअप भी ऐसा चाहते हैं छत वाला चाहते हैं तो आपने दोनों बताने। टिल देन अल्लाह हाफिज़। नहीं नहीं रुक जाओ भाई, अस्सलाम वालेकुम।